तो इस तरह से शैलेन जी और राज कपूर जी फिर एक साथ हुए जी, और आवारा के बाद तो हमें लगता है कि ये दोस्ती और नजदीक ले आई दोनों को। बिल्कुल, राज साहब हमेशा बाबू या तो कविराज कहते थे या पुष्किन। अच्छा, रशियन कवि पुष्किन जी, तो उनके नाम से वो या तो पुष्किन कहते थे या कविराज। बहुत सम्मान देते थे, बहुत इज्जत करते। बिल्कुल, मतलब कई बार ऐसा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बाबा सोफे पे बैठे हैं और राज साहब जमीन पे उनके पैरों के पास बैठे। बहुत इज्जत भी करते थे और बहुत चाहते भी थे बाबा को, और इन सब की दोस्ती इतनी अच्छी बन गई थी। ये राज कपूर जी, मुकेश जी, शैलेंद्र जी, शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत जयपुरी जी, ये सब मिलजुल के, लता मंगेशकर जी भी उनके साथ साथ। जी जी, अब्बास साहब, ये सब एक पूरी टीम थी। पूरी टीम धीमे धीमे करके दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इंटरेस्टेड होने लगे कि बाबा अच्छा लिखते हैं, तो रोशन जी के साथ, फिर सलील चौधरी के साथ, जी रवि के साथ, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि डायरेक्टर रवि के साथ बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे। एक तो वो बहुत खूबसूरत गाना है, एक ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। शैलेन जी और राज कपूर साहब जी, कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के पर्याय थे जी। अगर राज कपूर साहब इतने बड़े कलाकार थे, इतने बड़े निर्देशक थे, इतने बड़े अभिनेता थे, तो उनकी आवाज थे मुकेश साहब। बिल्कुल, तो उनके शब्द जो है वो शैलेन जी थे। बिल्कुल, और श्री 420 फिल्म आई, उस फिल्म के हर गाने में एक अलग रंग दिखाई दिया था, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। एक गाना खास तौर से हम जिसकी बात करना चाहेंगे, एक रोमांटिक गाना है जो एक टेलीविजन चैनल ने एक पोल किया था ऑफ 100 बेस्ट रेन सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सिनेमा। जी जी जी, जी, उसमें नंबर वन जो आया था वो श्री 420 का प्यार हुआ इकरार, प्यार हुआ इकरार हुआ, जो बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत, और लिखा भी था, और मन्ना दा ने और लता जी ने क्या उस बात का, उस गाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि बाबा जब लिख के ले गए थे, गाने की सिटिंग हो रही थी तो लिख के ले गए अंतरे, तो लिखा था रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। यहाँ शंकर जी को ऑब्जेक्शन हो गया कि 10 दिशाएं कहाँ से होने लगी शैलेंद्र, तो राज साहब बीच में आए, बोला कि नहीं वो दिशाएं तो वैसे 4 होती पर उनके इंटरमीडिएट्स भी काउंट होते हैं, तो बोला कि इंटरमीडिएट्स भी काउंट करके तो 8 ही हुए ना, 2 कहाँ से। तो बाबा मुस्कुराते रहे, उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया और वो हो गए 10। उसके बाद आर्ग्यूमेंट वहीं खत्म हो गई। दिनेश जी, हम फिल्म श्री 420 की बात कर रहे थे जी, एक गाना है उसमें, मेरा जूता है जापानी। आप देखिए कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इतनी बहुत बड़ी बात जो अगर आप सोचते जाएं, और बाबा के हर गाने में ये था कि आप एक के बाद एक परत या लेयर उसके उखाड़ते जाएं, आपको अंदर एक अलग सेंसिटिव मीनिंग मिले। एक बार गुलजार साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कही थी जो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कि बाबा ने उस गाने में कुछ लाइनें लिखी हैं, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। आप वैसे तो उसका मतलब ये ले लें कि और होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट यंग इंडिया की मोनार्की हैज एंडेड एंड वी आर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, कि हम सिंहासन की, वो जो सिंहासन अब दिल्ली जो है सिंहासन, वहाँ कोई भी आम आदमी भी जाके वहाँ बैठ सकता है। क्या बात है, राजकुमारों का जमाना गया, गया जी, पर अब इट इज डेमोक्रेसी। तो दिस गुलजार साहब पॉइंटेड आउट एंड विच डेफिनेटली मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। काफी गाने तो बाबा का अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली।